यस ले सकते हैं। ओके चलिए अमित के पास चलते हैं, बंगलुरु। अमित जी नमस्कार, अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, जी मेरे पास विप्रो के शेयर हैं, 608 के दाम पे, 400 शेयर, 3 महीने का अवधि है। 3 महीने का नजरिया है सर विप्रो में, बताइए क्या करें। 608 रुपये की प्राइस पे उन्होंने खरीदे 400 शेयर। विप्रो जी विप्रो, काफी, 3 महीने का नजरिया है इनका सिर्फ। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक कंपनी थोड़ी बंद होनी है, आप होल्ड कीजिए। विप्रो में थोड़ी नुकसान करता है कोई, इनमें मल्टीबैगर्स हुए हैं लोगों के जिन्होंने निवेश किया है। हाँ गिरावट हुई है, 725 से अब 500 देख रहे हैं, ऐसा भी कीजिए। यहाँ पर नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं सिर्फ 3 महीने ही रखेंगे इसको, ऊपर या नीचे की तरफ। 3 महीने का नजरिया नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर ओके 3 महीने का नजरिया तो विप्रो क्यों, फिर तो रिलायंस रख लीजिए, एचडीएफसी रख लीजिए। हाँ ठीक है, तो अमित जी आप इसमें थोड़ा सा नज़रिया बड़ा करिए, स्टॉक बढ़िया है और इस समय बाज़ार के थपेड़ों में ऊपर नीचे हो ही रहा है। प्रसन्नजीत बोरो असम से हमारे साथ है। प्रसन्नजीत जी सवाल पूछिए अपना। स्टॉक बढ़िया स्ट्रक्चर है, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों स्टॉक होल्ड करके बैठिए, डॉलर भी और आपका जो भारती एयरटेल है, दोनों में ही बढ़िया स्टोरी और अच्छे आपने लिए लेवल्स पे, तो वहाँ से भी आपको अच्छा गेन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं पटना, खुर्रम हमारे साथ है। खुर्रम बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा एक सवाल है कि मेरे पास एक आईटी सेक्टर का एक के विप्रो का 37 शेयर है सर, उसको मैं क्या करूं, होल्ड करूं या फिर मैं इसको सेल कर दूं? 650 में लिया आपने? यस सर, 650 में मैंने लिया है। अच्छा ओके, अभी आपको थोड़ा सा 5-7 रुपये नुकसान है। गावा सर विप्रो आईटी पूरा सेक्टर की स्टोरी तो बड़ी इंटैक्ट है, हालांकि इन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा उसी के आसपास ट्रेड करा, तो क्या करें, होल्ड करें क्या? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, जिन्होंने आईपीओ भी लिया उनके जो मल्टी बैगर्स हुए हैं, मल्टी मल्टी बैगर्स, तो इनको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। विप्रो में टॉप कंपनी है आईपीओ, तो मेरे ख्याल से क्या घबराना, नहीं, ना इन्होंने होल्ड, इन्होंने 650 पे लिया है। कोई बात नहीं, ट्रेडिंग का नजरिया नहीं होना चाहिए इस स्टॉक हाँ में, इन्वेस्टमेंट ग्रेड नजरिया होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए स्टॉक, बढ़िया है। होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। विप्रो बढ़िया टॉप आईटी कंपनी है और हाल फिलहाल में उन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं, तो उसके जरिए भी अपने आप को रिपोजिशन करने की कोशिश करें, कोई दिक्कत